तुम्हारी लड़की सक्सेसफुल कैसे हो सकती है? इसकी लड़की जो जबरदस्ती इस घर में आई, वो उसका साथ हमेशा किसी कैसे दे सकती? हो सकता है वो लड़की यहाँ पे जबरदस्ती ना आई और किस्मत उसे उसका हम दिला। क्या चाहती हो? लास्ट टाइम कह रही हूँ, रवि का पीछा छोड़ दो तुम, किसी में तुम्हारी, किसी में तुम्हारी। ये तो ना मेरी चाहत है ना। वो काव्या, अभी तो मैंने तुम्हें समझाया कि जो भी होता है वो किस्मत का लिखा हुआ होता है। पूरी कुदरत, कायनात सब कुछ सब चाहते थे कि हमारी शादी हो जाए, तो हमारी शादी हो गई। अब तुम्हारी ये जो लड़ाई है ना, ये तुम या तो किस्मत से लड़ो या तो रस्म मुझसे, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती। रवि की पत्नी हूँ तो अपना पत्नी जो है तो मैं निभाऊंगी। चुप, एकदम चुप। रवि मेरा प्यार है, बचपन से प्यार करती हूँ मैं उससे। कर सकती तड़प थी, कीर्ति से प्यार करता था, पर अब तो कीर्ति भी नहीं, अब उसकी जगह नहीं, अब तो कीर्ति भी नहीं, तो अब रवि सिर्फ मेरा हक है और किसी का भी नहीं। रवि मेरा ना सब कुछ है, मेरा दिल, मेरी धड़कन, मेरी सांसें, सब कुछ, तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं ये लड़की इतनी कूल और काम कैसे। अरे पूरी फैमिली इसके अगेंस्ट है, पर इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई और लड़की होती ना तो अब तक भाग जाती है घर छोड़ के। ये लड़की तो हिल भी नहीं रही, मैं चुप नहीं बैठ सकती, वरना इस जंग की बिना ये लड़की बन जाएगी। कुछ तो करना होगा, पता नहीं आगे जाके ये लड़की क्या करने वाली। तो मुझे इससे डर लगने लगा, लड़की तो बीमारी बन गई, पलक झपकते ही ना हर जगह फैल रही है। पहले कम से कम रवि मुझे ऐसा फ्रेंड हस्बैंड मिल रहा था, कुछ तो स्कोप था, कोई स्कोप नहीं। कुछ चल रहा है बट अभी काफ़ी डिफरेंट, मतलब मेरा काफ़ी डिफरेंट रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी मैं फुल टशन में हूँ और सबको जो जैसे बात कर रहा है उससे मैं उससे वैसे ही बात कर रही हूँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले आगे के एपिसोड्स। रवि और मेरे भी काफ़ी सीन्स गए हैं, वो भी काफ़ी फनी फन बैंटर जो हमारे होते रहते हैं वो भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो आई थिंक ऑडियंस विल लाइक इट। टशन तो चल रहा है, काव्या तो हमेशा से चाहती है कि रवि उसका हो जाए, और अभी मेरी मजबूरी है कि मुझे रवि के साथ रहना पड़ेगा, बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं बचा है, रवि ने मुझसे शादी कर ली है। तो इसी वजह से वो टशनबाजी चल रही है कि कौन बेडरूम में रहेगा, कौन रवि के पास रहेगा, तो बेसिकली रवि के लिए लड़ रहे हैं हम दोनों। चेंज क्या होगा वो तो स्लोली होगा, जो भी चेंज होगा, बट अभी भी रवि का वैसा है कि वो नफरत तो नहीं करता है। हमारे पास में भी डायलॉग्स गए हैं कि आप प्यार नहीं करते तो नफरत भी तो नहीं करते, तो वो चीज़ है, नफरत तो अभी भी नहीं है, प्यार भी नहीं है, नफरत भी नहीं है, बीच में कुछ है। उसके लिए तो आप देखिए, अभी मैं क्या बताऊँ, बट अच्छे एपिसोड्स आने वाले हैं।